भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसके तो ए इसका राइट है मुंबई। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2002। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित थी स्थित है फिर? ए जमशेदपुर में। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो बी इसका राइट है पंजाब। दिवस भारत का वृत्तम पशु मेला लगता है कहाँ लगता है आपको बताना है? सोनपुर डी। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सी इसका राइट है हीराकुंड बांध। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? ए कमलजीत संधू। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो सी इसका राइट है इंदिरा गांधी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सी इसका राइट है जम्मू कश्मीर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल भूटान और चीन से लगती है? डी सिक्किम। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? हो जाएगा डी कोरोमंडल। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 6100 किलोमीटर। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी चंबल। शांति घाटी स्थित है, शांति घाटी स्थित है कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में आपको बताना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल सी। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारतीय सिनेमा के जनक थे, किसे कहा जाता है भारतीय सिनेमा के जनक? बी दादा साहब फाल्के जी। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? ठीक है, इसका ए हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो ए इसका राइट है राजस्थान। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बी इसका राइट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? डी गोमतेश्वर। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? डी गंगा। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 20 का राइट है 24। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, गोदावरी। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो बीस का राइट है कुतुब मीनार। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 20 का राइट है नील। नील क्या है? सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी सतलज नदी। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 9। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है सी। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, कौन थे वो?
इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक, भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है, आपको पता होगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? बाईस जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो गहरा केसरिया रंग होता है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आइंस्टीन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन, ए राइट इज। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका मैं राइट आंसर बताता हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मिथाली राज। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलांकर। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बी इसका राइट हो जाएगा। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? राइट आंसर का हो जाएगा बी, किशन कन्हैया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राकेश शर्मा जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन।